मैं एक आमी बैकग्राउंड से हूँ मैं द आर्मी इन फैक्ट वो जनवरी तक सर्व uh, कर रहे थे तो मेरा चाइल्डहुड बहुत नॉर्मल आर्मी बैकग्राउंड जैसे होता है वैसा था आर्मी um, स्कूल में जाना एक कॉलोनी में रहना सारे मतलब मेरे जितने भी दोस्त थे उनके उनके फ़ादर भी आर्मी में थे सो ऑनेस्टली बिफोर रब ने बना दी जोड़ी जो मैं छः सात महीने बॉम्बे में रही थी दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद लाइक सिविलियंस बिकॉज मुझे एक तरीके से यू नो लाइफ समझ में आती थी हम लोग हमेशा एक कंटोनमेंट में रहे तो हमारी लाइफ उसी उसी में कंटेंड होती थी जस्ट कंटेंड विद इन दैट कंटोनमेंट सो दिस वॉज लिटिल क्या बोलते हैं गुड चेंज बट इट टुक समाइम ऑन टॉप ऑफ देट यूसरी लाइक बॉम्बे विच इज सो फास्ट पेस्ट आई मीन आई वॉज लिविंग इन बैगलोर एंड देन गैटिंग यूज टू देट वॉज अफ इन द बिगिनिंग बट अदरवाइज आई वॉज आई वॉज आई वॉज इन स्कूल मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी आई वॉज एन ऑल राउंड गुड इन स्टडीज आई एम नॉट बींग इमोडेस्ट बट आई वॉज आई वॉज आई टू कम इन द फर्स्ट थ्री रैंक्स इन द क्लास एट द सेम टाइम आई बी पार्ट ऑफ द ऑफ माई स्कूल यू नो ट माई डांस टीम आई वॉज एन एथलीट आई मीन एथलीट एज एन आई टू रन हंड्रेड मीटर्स एंड रिले एंड और क्या करती थी मैं आई टेक आई शु टिकूशन एंड डिबेट्स सो आई वुड से आई मैंने हर जगह पर हाथ मतलब मैं डाल दीती थी मतलब इन स्कूल एवरी को करिकुलर एक्टिविटी बिकॉज मे बी आई जी चाहिए बट देर वॉज नॉट वन थिंग देट आई वॉन्टेड टू डू सो दैट्स वाई आई थिंक वाई मैं मुझे नहीं पता था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ कुछ मुझे पता था कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ आई वॉज वेरी हैप्पी मॉडलिंग एन आई डेंट थिंक की सो सून सच एन अपॉर्चुनिटी विल अराइज इन आई ओनली नाइनटीन ईयर्स ओल्ड Rabne happened, but uh, I'm glad that it did because uh, it made me realize that something that I love the most, and like, I mean, I don't think, I don't think anything makes me feel good, other than acting. You know, like I, I genuinely feel um, very, very happy with myself when I get a scene right. You know, and I don't think any anything else gives me that happiness. क्योंकि मैं मॉडलिंग कर रही थी सो so, ये रिजेक्शन सिलेक्शन वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ यू नो बहुत छोटी उम्र से एक्चुअली इनफेक्ट आई आर मॉडलिंग आई वॉज फिफ्टीन ईयर ओल्ड सो तब से आई वॉज यूज टू गोइंग फॉर ऑडिशन फॉर एड्स एंड यू नो शॉर्ट लिस्ट में आना यू नो कि फोन आएगा वो बोलेंगे कि आप हैं और एक और लड़की हैं आप दोनों के बीच में एंड यूजली आई टू गो टू द अदर गर्ल द गर्लो दो दे वॉज ऑफकोर्स आई आई फेस रिजेक्शन बट मुझे इतना अजीब नहीं लगता था ये क्योंकि मैंने बहुत बचपन से जो जो आपके जो साल होते हैं जब आप मोल्ड होते हैं यू नो लाइफ में जो आपकी पर्सनालिटी को जो चीज़ें मोल्ड करती हैं इट वाज इट बिकेम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ दैट रिजेक्शन सिलेक्शन बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंडीशनिंग यू नो दैट आई हैड बिकॉज पंद्रह साल से आई वो सिंग दिस यू नो ऑडिशन पे जाना हाँ मिल हाँ सुनना या ना सुनना या यू नो इवन इफ अगर फैशन भी कर रहे हैं तो यू नो जस्ट आई गेटिंग अ गुड आउटफिट फ्रॉम द डिजाइनर नॉट आई वज यूज टू ऑल दीज थिंग्स आई थिंक दैस वाई मे बी आई वाज़ आई वाज़ आई वाज़ क्वाइट टफ गर्ल दैट वे यू नो सो व्हेन आई केम फॉर अब ने बना दी जोड़ी एक ऑडिशन में जेन्यूनली मैं इतनी इरीटेट हो गई थी बॉम्बे में आने के बाद क्योंकि हमेशा लाइक आप शॉर्टलिस्ट हो गई एक और लड़की एंड चार दिन बाद उस लड़की को अवार्ड मिले मुझे नहीं मिला है आई डॉट नो आई डॉट फोर फाइव एड्स बट आई गॉट रिली इिटेटेड आई वो कि क्या है सो so मैंने ऑडिशन पर रब ने बना दी जोड़ी मैंने मेकअप नहीं किया था आई नॉट इवन आई डोट ब्रश माई हेयर जेनुअनली आई जस्ट कम बैक फ्राम शो एंड गॉन फॉर द ऑडिशन एंड आई जस्ट डिड इट आई जस्ट आई जस्ट एक्टेड एंड देन आई लेफ्ट एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दसोसिएट डायरेक्टर ऑफ द फिल्म असिस्टेंट एट दैट टाइम उन्होंने मुझे कहा कि आप शॉट लिस्ट हो गई हैं तो मैंने कहा हाँ ठीक है मतलब इट्स नॉट इट्स 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 ओके आई मीन आई गेट शॉर्ट लिस्ट बट इट वॉज ओनली वैन आई मेट आदि वन इकॉमी चोपड़ाई टू फील की कुछ सीरियस बात हो रही है बिकॉज आई रियलाइज ही इज द डायरेक्टर ऑफ दिल वाले धुलना ले जाएंगे उसके बाद से थ, चीज़ें थोड़ी सीरियस लगने लगी इसी ऑडिशन प्रोसेस के दौरान एक हमने एक फोटो शूट करा कर था एंड आदि uh, भी थे वहाँ पे और राइट आफ्टर द ऑडिशन आफ्टर विच इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑडिशन वो फोटोशूट uh, मुझे मनीष शर्मा जो उस समय पे जिन्होंने बाजा बारात बनाई है जो उस समय पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि आदि यू नो वांट्स टू मीट यू इन द फोर्थ फ्लोर उनका ऑफिस जो है फोर्थ फ्लोर यशराज का इट्स लाइक अ इट्स अ स्केरी प्लेस टू एंटर यू नो इट्स लाइक यश जी का ऑफिस वहाँ हुआ करता था uh, आदि का ऑफिस वहाँ है या उदय का ऑफिस वहाँ है सो यू नो इट लुक्स लाइक इट्स वेरी इंटरडियेटिंग टू वॉक इन टू दैट प्लेस सो टो मी दादी इज़ कॉलिंग यू अब एंड एंड वम कुछ खा रही थी एंड आई वेंट एंड आई वेंट एंड सैट विद हिम एंड आई वॉज आई वॉज होपिंग दैट ही इथ से येस बिकॉज यू नो आईड बिन वेटिंग टू हियर दिस द पास वन मंथ सो आई वॉज बहुत जिटरी एंड आई वॉज इन वाई नर्वस आई हेव मेयर डिसीजन एंड यू विल प्ले तानीज रोल इन माई फिल्म रब ने बना दी जोड़ी एंड आई डोंट नो उस समय तो मैंने उस समय आई डेंट एनी रिएक्शन आई जस्ट आई जस्ट आई जस्ट थैंक आई शुक हिज हैंड एन आई एन आई लेफ्ट बट इट वॉज मैन आई वॉज ड्राइविंग बैक दैट इट ऑल हिट मी यू नो आई जस्ट फेल्ट लाइक समटाइम यू फील इन लाइफ की कुछ कुछ चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में जो आपको किसी एक जगह यू नो पहुँचा देती हैं एंड आई थिंक जो भी उसके पहले मेरी लाइफ में हुआ था इट वॉज टू ब्रिंग मी टू दिस डे इन माई लाइफ दैट्स वॉट आई बिलीव अगर मैंने बहुत ज़्यादा एड्स करे होते हैं जो जिसके बारे में यू नो आई वॉन्ट टू नो बी अ पार्ट ऑफ एवरी एड अगर मैंने बहुत ज्यादा करे होते आद ही वुड नॉ हेव टेकन मीन दिस फिल्म बिकॉज यू वॉन्टेड अ कंप्लीटली फ्रेश न्यू फेस स थिंग एवरी थिंग दैट है फॉर गुड एंड दैट समथिंग दैर आई लर्न दैट डे एंड तब से आई ऑलवेज हैड दट फिलोफी इन लाइफ एंड आई कॉल माई पेरेंट्स आई मेमोर मैं गाड़ी चला रही थी आई टू स्टॉप द कार बिकॉज आई वॉज गेटिंग सो इमोशनल आई वॉज क्राइंग आई स्टॉप द कार आई कॉल माई पेरेंट्स मैं उनसे बात करी एंड नो आई टूल दैन दट इ्टपी एंड एंड आई जिस फेल लाइक द मोस्ट स्पेशल पर्सन ऑन दट ऑन द प्लान दट डे आई फेट लाइक

जब मैंने बैंड बाजा बारात पहली बार देखी खुद आई वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी विद द फिल्म बट आई रिमेंबर आई वॉकड आउट एंड बाकी लोग जिन्होंने यू नो फिल्म बनाई थी जो क्रू uh, मेंबर्स थे वो सब बाहर जब मुझे मिले उन्होंने मुझे प्रेस करना शुरू किया एंड आई अंडरस्टैंड यू लोग क्यों ये क्यों इतना प्रेस करें बिकॉज आई कुंड अंडरस्टैंड द बिग डील यू you नो know, मुझे नहीं लगाता था फैक्ट आई थोट आई वॉज क्रैप इन द फिल्म विच आई ऑलवेज डू आई नवर थिंग एम गुड एन थिंक नवर थिंग अ गुड जॉब सर वज लाइक वाई दे लाइक इतना ज़्यादा क्यों वाई दे सो एक्साइटेड अबाउट दिस बट दैट फीलिंग जस्ट टू कंड ऑफ यू नो वेन यू आर नॉट श्योर ऑफ समथिंग इन समी एल्स इज लाइक सो ऑनस्टली टेलिंग यू एंड यू कैन फील दट ऑनेस्टली फ्रॉम अनादर पर्सन आई थिंक दट वॉज वन स्पेषल मोमेंट इन माई लाइफ द अदर वन आई वुड सेव इज वैन when raju rani offered me pk

Uh, मैं वैसा ही बिहेव करती हूँ देर इज नो देर इज़ नो मेथर्ड और देर इज़ नो नॉट मच थिंकिंग दैट गोज इन टू द वे आई स्पीक टू पीपल और और द वे आई एम सो समाइम्स दैट जजमेंट यू नो वैन यू फील दैट जजमेंट एंड पीपल पीपल ऑलवेज कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देते हैं कुछ चीज़ों को uh, आपके बिहेवियर को um, आपकी कुछ क्वालिटीज़ को एंड समटाइम्स इट कैन बी टेकन इन इन नेगेटिव वे यू नो इट कैन लुक सीम नेगेटिव

रेकग्निशन मिला माई यू नो एज एक्ट्रेस, आई गॉट रेकग्नाइज एज एज एक्ट्रेस और मैं आई से, ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि इट वॉज अ फिल्म दैट वॉज डिरेक्टेड बाय फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ऑपोजिट एक्टर हु फर्स्ट फिल्म सो यू नो फिल्म लाइक दैट आई वॉज सो आई फील वेरी प्राउड वेरी लाइक दैट हैप्पी प्राउड अबाउट इट कि इफ़ आईव डन समथिंग आईव डन ऑन माई ओन लाइक मेरी मेहनत से मैंने एक्टिंग मतलब यू नो आई 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 वर्क हार्ड ऑन द कैरेक्टर आई आई एम फ्रॉम बैंगलोर आई स्पीक आई टू स्पीक हिंदी इन अ वे दैट यू नो साउथ इंडियंस डू माई फ्रेंड्स नेवर स्पोक हिंदी दे स्पोक ओनली इन इंग्लिश सो आईड वर्क रियली हार्ड ऑल दो पीपल थाट लोगों को लगा कि मैं पंजाबी हूँ मैं दिल्ली से हूँ देर इज नो ट्रूथ टू इट ना ही मैं पंजाबी हूँ ना मैं दिल्ली से हूँ बट मैंने बात करना सीखा ऑफकोर्स स्क्रिप्ट ऐसी थी कि यू नो आप लिखा हुआ था जैसे बिजनेस है तो बिजनेस लिखा था नॉट बोल मतलब इट वॉज रिटर्न सो यू वेइंग बट आई फेल्ट लाइक मैंने जितना भी हार्डवर्क दाल, डाला दाल, था उसके अंदर जितनी भी कन्विक्शन से मैंने उस फिल्म को किया था द रिजल्ट केम सो आई थिंक दैट वैट आई वुड से वॉज पॉइंट नॉट ओनली बिकॉज आई वॉड रिकोगनाइज इन सक्सेस दैट केम आफ्टर दैट बट ऑल्सो बिकॉज आई गॉट अ रियलोरेंस दैट वॉट एवर आई एम डूइंग इन माई करियर वॉट एवर सॉर्ट ऑफ वे इन विच आई एम पिकिंग अप माई फिल्म और द थाट प्रोसेस बिहाइंड यू नो हाउ आई वॉन्ट माई करियर टू लीड जो भी मैं सोच रही हूँ मुझे लगा वो सही है वो करेक्ट है वो रीअश्योरेंस मिल गई मुझे सो दैट आई थिंक आई वुड से वॉज अ टर्निंग पॉइंट हाई पॉइंट इन माई लाइफ